شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. قرآن حکیم کے 23वें اور 24वें پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے. سورہ یاسین چل رہی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم. جو شخص دو کام کر لے تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دو عنایتیں, دو نوازشیں ہیں. ایک تو ہے خشی الرحمن بالغیب, اللہ تبارک و تعالیٰ سے تنہائی میں بھی ڈرے, اور خلوت میں گناہ کو ترک کر دے. آدمی یہ دیکھتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے تو گناہوں کے مواقع وہاں موجود ہوتے ہیں, اس وجہ سے وہ گناہ کرنے میں جھجک محسوس نہیں کرتا. تو ترک ذنوب الخلواتی, خلوتوں کے گناہوں کو چھوڑ دینا. آدمی یہ سوچے کہ اگرچہ کوئی آدمی نہیں دیکھ رہا ہے, کوئی انسان نہیں دیکھ رہا ہے, مگر ایک ہستی ایسی ہے جو برابر مجھے دیکھ رہی ہے. اگر یہ سوچ کر کے وہ اللہ سے ڈر جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں خشی الرحمن بالغیب, بغیر دیکھے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر گیا. ایک چیز. اور دوسرے, تنہائی میں چھپ کر کے عبادت کرنا کہ لوگ نہ دیکھیں. تو ایک ہے پوزیٹیو اور ایک ہے نگیٹیو, دونوں تار مل جائیں نگیٹیو اور پوزیٹیو تو بلب روشن ہوتا ہے. تو پوزیٹیو کیا ہے, موجب کیا ہے, کہ وہ عبادت السر کرے, چھپ کر کے عبادت کرے کہ عبادت کرتے ہوئے اسے کوئی نہ دیکھے. ایک تو یہ پوزیٹیو, کرے چھپ کر کرے. اور ایک ہے خلوت کے گناہوں کو چھوڑ دے, نہ کرے. ایک ہے پوزیٹیو, ایک ہے نگیٹیو. اگر یہ دونوں کام کر لیتا ہے, عبادت چھپ کر کے کرتا ہے کہ لوگ نہ دیکھیں, اور تنہائی میں گناہوں کے سارے سامان موجود ہیں مگر پھر بھی گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے, تو چونکہ دونوں جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہے,
छुप करके इबादत कर रहा है कि कोई ना देखे, अल्लाह तबारक व तआला का डर है, इखलास है, और खलवत के गुनाहों को छोड़ दे रहा है, अगरचे वो ये समझ रहा है कि कोई मुझे नहीं देख रहा है, तो ये जो गुनाह उसने छोड़े खलवत के, तो इसी वजह से छोड़े ना कि अगरचे दुनिया की निगाहें मुझे नहीं देख रही है, मगर एक निगाह तो देख रही है ना। तो अब ये दो चीजें अगर जिसने कर लिया तो उसके लिए दो चीजें, फबशिरहु बिमगफिरतिन, तो उसे खुशखबरी दे दो कि हमने उसके गुनाहों को माफ कर दिया है, मगफरत की खुशखबरी दे दो, वह अजरिन करीम, और हम उसे अजर करीम देने वाले हैं, यानी जन्नत, सबसे शानदार अजर तो जन्नत है, अजर करीम की तफसीर जन्नत से की गई है। तो दो काम कर लो तो आपके गुनाह बख्श दिए गए और आपको जन्नत मिल गई। वो दोनों काम क्या है मालूम हो गया आपको, इबादत छुप करके करना कि कोई न देखे, और तन्हाई में हो कोई न देख रहा हो, गुनाह के सामान मौजूद हो गुनाह को छोड़ देना। अगर ये दो दो चीजें कर रहा है तो समझो वो अल्लाह से डर रहा है, वो बगैर देखे, मन वो खशियर रहमान बिल गैब, दो चीजें कर लिया, फबशिरहु बिमगफिरतिन व अजरिन करीम, मगफिरत की खुशखबरी दे दो कि हमने उसे माफ कर दिया, उसके गुनाह बख्श दिए, और दूसरे उसे अजर करीम, बहुत बेहतरीन अजर अता किया गया, यानी जन्नत। तो ये दोनों काम करेंगे ना जी। आगे फरमाया गया, इन्ना नहनु नुहयिल मौता, हम मुर्दों को जिंदा करते हैं, इसकी दलील नहीं दी गई, इसलिए कि ये ऐसी बदीही चीज है कि जिस पर दलील कायम करने की जरूरत नहीं है, हमारा वजूद खुद इस बात की दलील है कि अल्लाह मुर्दों को जिंदा कर सकता है, इसलिए कि अल्लाह फरमाता है कि कायनात को हमने पैदा किया है, अब अगर हम कायनात को मिटा दें तो दोबारा वैसी नहीं बना सकते, पहले बनाना आसान है कि बाद में बनाना आसान, पहले बनाना मुश्किल है, जब कोई चीज थी ही नहीं बना दिया उसके बाद अगर मिटा दे तो दोबारा बनाना उसके लिए तो पहले से ज्यादा आसान है ना। तो हम जिंदा हैं, हमको उसने जिंदा किया है, तो हमारी जिंदगी हमारा वजूद खुद इस बात की दलील है कि वो हमारे मरने के बाद दोबारा जिंदा कर सकता है। क्यों? इसलिए कि पहले तखलीक करना ये मुश्किल है और दोबारा मिटा करके फिर बनाना ये कि पहली तखलीक से ज्यादा आसान है। तो इस पर दलील कायम करने की जरूरत है, इन्ना नहनु नुहयिल मौता, हम मुर्दों को जिंदा करते हैं। अब आगे एक बड़ी प्यारी बात बताई जा रही है, लेकर जाओ यहां से, वह नक्तुबु मा कद्दमु व आसारहुम, हम लिख रहे हैं क्या, मा, माँ का लफ्ज अरबी में आता है उमूम के लिए, यानी हर छोटी बड़ी चीज लिख रहे हैं, तुम्हारे छोटे नेक आमाल भी लिखे जा रहे हैं, तुम्हारे बड़े नेक आमाल भी लिखे जा रहे हैं, तुम्हारी छोटी गलतियां भी लिखी जा रही हैं, तुम्हारे बड़े गुनाह भी लिखे जा रहे हैं। नक्तुबु मा, मा का मतलब सब कुछ लिखा जा रहा है, एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड, हर चीज रिकॉर्ड की जा रही है, कोई चीज छूट नहीं रही है, और हम लिख रहे हैं, और वो चीजें छोटी या बड़ी कौन सी हैं, मा कद्दमु व आसारहुम, जो तुमने किया वो, और जो तुमने छोड़ा वो। एक है आदमी अमल करता है तो आगे निकल जाता है, अमल आगे चला गया, और एक है आदमी अमल करता है तो पीछे छूट जाता है। तो अल्लाह फरमा रहा है कि आगे जो तुमने भेजे हैं हमने उनको भी लिख लिया है, और जो पीछे छोड़ दिए हो उसको भी हम लिख रहे हैं। नहीं समझ में आया, हमने नमाज अदा की, एक अमल है, अल्लाह ने उसे लिख लिया है, वो आगे चला गया वो, और हमने सदके जारिया दे दिया है,
हमने ऐसा इल्म छोड़ दिया है जिससे लोग नफा उठा रहे हैं, हमने ऐसी नेक औलाद छोड़ दी है जो दुआ कर रही है। अब देखिए ये जो पीछे आपने छोड़ा है आसार है ये आपके, अगर नेक औलाद दुआ कर रही है तो ये जो पीछे आपने अपने आसार छोड़े हैं इसका फायदा आपको मरने के बाद पहुंच रहा है। आपने नफा देने वाला इल्म छोड़ा है तो जब तक लोग उस नफा देने वाले इल्म से फायदा उठा रहे हैं ये आपके आसार हैं जो आप छोड़ कर गए हैं। उसको एक और तरीके से समझो, ये आदमी है, ये आदमी और ये रास्ता है, रास्ता है। अब ये सामान लेकर के जा रहा है, ये पानी है, इसमें ये सामान है, ये अमल है, ये ले जा रहे हैं, ये अमल आगे निकल गया, लेकिन इसके कदमों की निशाना तो यहां है ना, कदमों की निशाना तो नहीं पीछे छोड़ रहा है वो, ये तो अमल आगे निकल गया ये पानी, मगर कदमों की निशाना तो पीछे छोड़कर जा रहा है ना, उसके कदमों की निशाना था यहां रास्ते में। अभी इस राह से गुजरा है कोई, अभी इस राह से गुजरा है कोई, कहे देती है शौखी नक्शे पाकी। तो आदमी जब चलता है किसी रास्ते पर तो उसके कदमों के निशानात बन जाते हैं, आदमी आगे निकल गया मगर कदमों के निशानात पीछे रह गए हैं। तो हमने सदके जारिया अल्लाह की राह में दे दिया, तो जब तक वो चीज मौजूद है लोग उसे फायदा उठा रहे हैं, अपने सराय बना दी, कुआं खोदवा दिया, मस्जिद बना दी, तो ये सदके जारिया। आप तो आगे निकल गए मगर आपके जो आसार हैं वो भी लिखे गए हैं, जब तक लोग इससे फायदा उठा रहे हैं आपको उसका फायदा पहुंचता रहेगा। समझ गए? तो एक है मा कद्दमू जो आगे बढ़ा दिया आपने, और एक है जो पीछे छोड़ दिया है, इसको आसार बोलते हैं भैया सर। तो हम सब लिख रहे हैं, कोई चीज छूट नहीं रही है। क्या बात है, क्या बात है। इन्ना नहनु नुहयिल मौता, हम मुर्दों को जिंदा करते हैं। व नक्तुबु मा कद्दमु व आसारहुम, जो तूने अमल किए हैं वो भी हम लिख रहे हैं। तो एक जुमले में याद रखो, हम लिख रहे हैं तुम्हारे अमलों को और हम लिख रहे हैं तुम्हारे अमलों के सबब को। अगर एक जुमले में याद रखना है, हम आमाल को लिख रहे हैं और सबबे आमाल को भी लिख रहे हैं। ये भी कह सकते हैं हम। उसके बाद अल्लाह अपने हबीब से कह रहा है कि आप गांव वालों का वो किस्सा बयान कर दीजिए, वाकया बयान कर दीजिए क्या हुआ था। इज़ जा अहल मुरसलून, जब उस गांव में अल्लाह के रसूल पहुंचे, पहले दो गए। इज अरसलना इलैहिम उस्नैन, पहले उस बस्ती में, इस बस्ती का नाम कुरान में नहीं बताया गया, मुफस्सिरीन लिखते हैं कि इस बस्ती का नाम इंताकिया था। इंताकिया ये रूम का कोई गांव है, रूम का कोई शहर है, ये इंताकिया, हलब और इंताकिया मशहूर है, ये रूम का कोई गांव है, कोई शहर है ये। कुरान में उस बस्ती का नाम नहीं बताया, मुफस्सरी ने उस बस्ती का नाम इंताकिया बताया है जो रूम का एक शहर है। यहां पहले दो रसूल भेजे गए, फकद्दबूहुमा, बस्ती वालों ने दोनों को झुटला दिया। फाअज़्ज़ज़ना बिसालिसिन, अल्लाह तबारक तआला फरमाता है कि जब दोनों को गांव वालों ने झुटला दिया तो हमने एक तीसरे रसूल को उनकी ताईद के लिए भेजा। फाअज़्ज़ज़ना बिसालिस, ये तीसरा गया। सबने मिलकर के कहा, फकालू इन्ना इलैकुम मुरसलून, हम तुम्हारी तरफ भेजे गए हैं, हम रसूल हैं। कौम का जवाब क्या था? कालू मा अंतुम इल्ला बशरुम मिसलुना, अरे तुम रसूल कैसे हो सकते हो, तुम तो हमारी तरह के इंसान हो। तमाम रसूलों की उम्मत को यही कंफ्यूजन था कि ये इंसान है रसूल कैसे हो सकता है, और आज रसूल की उम्मत को कंफ्यूजन ये है कि ये रसूल है तो इंसान कैसे हो सकता है। जी वो कहते थे कि ये बशर है तो रसूल कैसे हो सकता है, और आज कहते हैं रसूल है ये तो बशर कैसे हो सकते हैं।
ये कंफ्यूजन बराबर रहा है गुमराह लोगों के पास. पहले लोगों का कंफ्यूजन क्या था, ये बशर है तो ये रसूल कैसे हो सकता है, रसूल के लिए ह्यूमन नहीं सुपर ह्यूमन होना जरूरी है, वो ये समझते थे. और यहां क्या बोलते हैं कि ये रसूल है तो इनको ह्यूमन नहीं होना चाहिए, सुपर ह्यूमन होना चाहिए. आज भी कंफ्यूजन है मुसलमानों के एक तबके को, वही कहा उन्होंने तुम तो हमारी तरह इंसान हो. ममा अंजलर रहमान मिन शय, तुम्हारे ऊपर रहमान ने कोई चीज नाजिल वाजिल नहीं की. इन अंतुम इल्ला तकज़िबून, झूठे हो तुम लोग, झूठ बोल रहे हो. अब ये कह रहे हैं रब्बुना यालमु इन्ना इलैकुम लमुरसलून, हमारा रब जानता है कि हम तुम्हारी तरफ भेजे गए रसूल है. अच्छा वमा अलैना इल्ला बलागुल मुबीन, हमारी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि अल्लाह के पैगाम को तुम तक पहुंचा दें. बस हम पैगाम के कबूल करने पर जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे. ये देखिए इस्लाम में जबरन किसी को मुसलमान बनाना जायज नहीं है और ना ऐसा इस्लाम मतलूब है और ना ऐसा इस्लाम मकबूल है. मकबूल भी नहीं है और मतलूब भी नहीं है. अल्लाह को मतलूब नहीं है ऐसा इस्लाम, ना उसको मकबूल, उसकी नजदीक मकबूल है. कौम क्या बोल रही है, जब से तुम तीनों आए हो इस बस्ती में तब से सिर्फ तुम्हारी वजह से नहुसत फैली हुई है. क्या बोले, तुम तीनों मनहूस हो, जब से आए हो कोई ना कोई परेशानी इस बस्ती पर नाजिल हो रही है. इसका मतलब ये कि रसूलों की उम्मत ने, उम्मतों ने अपने गुनाहों की तरफ नजर नहीं की कि हमने ये जो गुनाह किए, जो करतूत किए हैं, इन करतूतों की पादाश में ये मुसीबतें हमारे ऊपर आई हैं, बल्कि इन मुसीबतों का सबब उन्होंने अच्छे लोगों को बताया, रसूलों को बताया. ये जो परेशानी बस्ती वालों को आ रही थी, दरपेश थी, ये इनके करतूतों की वजह से थी, रसूलों के झुटलाने की वजह से थी, ना ये के रसूल इनके लिए मनहूस थे. कह रहे हैं कालू इन्ना ततयर ना बिकुम, हमने तुमको मनहूस समझा है, मनहूस हो तुम लोग. ततय्युर क्यों कहा गया, ततय्युर यानी हमने चिड़िया उड़ा करके देख लिया है, दाएं से उड़ाया है मगर बाएं की तरफ चली गई, बाएं तरफ चली गई है. इसका मतलब ये कि तुम लोग अच्छे नहीं हो, चिड़िया को हमने उड़ाया तो दाएं से बाएं चली गई है. जैसे वो बिल्ली होती है ना, रास्ता काट गई है तो कुछ ना कुछ नहुसत होने वाली है, तो हमने चिड़िया उड़ाकर देख लिया. पायर मानी चिड़िया. इन्ना तो तैयार ना बिकुम, कि तुम मनहूस लोग हो और अगर भागे नहीं तुम लोग यहां से, लइल्लम तंतहू, अगर रुके नहीं तुम, लनर्जुमन नकुम, पत्थर मार मार कर तुम्हें संसार कर देंगे हम, पत्थर मार मार कर हलाक कर देंगे, संसार कर देंगे. और चले जाओ यहां से. वलयमस्सन्नकुम मिन्ना अदाबुन अलीम, वरना हम हमारी तरफ से तुम्हें बहुत दर्दनाक सजा मिलने वाली है, या तो पत्थर मार मार कर हलाक कर देंगे या फिर और कोई सजा तुम्हें देंगे, लिहाजा तुम लोग इस बस्ती से निकल जाओ. उन्होंने सिर्फ इतना जवाब दिया, गुस्से में बिल्कुल नहीं है. देखो क्या क्या नहीं बोले वो, तुम लोग रसूल नहीं हो, तुम लोग झूठे हो, तुम्हारे ऊपर कोई चीज नाजिल नहीं हुई है, तुम मनहूस हो, गए नहीं तो पत्थर मार मार कर हलाक कर देंगे, वरना और कोई बड़ा हम मामला तुम्हारे साथ करेंगे. देखो कितनी बातें वो लोग कह रहे हैं, उसके जवाब में सिर्फ इतनी बात कह रहे हैं ये तीनों रसूल. कालू तो इरुकुम माकुम, तुम्हारी नहुसत तुम्हारे साथ है. इस्लाम में नहुसत का कोई तसव्वुर नहीं है,
न कोई आदमी मनहूस होता है, न कोई जगह मनहूस होती है, न कोई जानवर मनहूस होता है। इस्लाम में नहूसत का सिरे से कोई तस्वूर नहीं है। हां इतना है कि अजाब जिस दिन नाजिल होता है, जिन लोगों के लिए नाजिल होता है, वो दिन उन लोगों के लिए मनहूस हो जाता है। उन लोगों के लिए फी नफ्स ही कोई दिन मनहूस नहीं होता। अब उस दिन अजाब नाजिल हुआ उन लोगों के लिए, तो ये कह दिया जाता है कि भाई वो दिन इन लोगों के लिए मनहूस था। एक चीज अच्छी होती है किसी की निस्बत से, और एक चीज किसी की निस्बत से बुरी होती है। मसलन ये छुरी है, छुरी है, अगर इससे आप फल काटें, इस छुरी की निस्बत फल की तरफ हुई तो ये अच्छी चीज है, और अगर इस छुरी से किसी का पेट फाड़ दें तो ये बुरी चीज है। तो गोया की चीज जो है ना उसकी निस्बत बुराई की तरफ कीजिए तो बुरी हो जाती है, और उस चीज की निस्बत अच्छाई की तरफ कीजिए तो उससे अच्छी चीज वजूद में आती। फी नफ से ही ये चीज बुरी नहीं है, समझा? तो फी नफ से ही कोई चीज बुरी नहीं होती जी, निस्बत करने से। चोर है, चोर कुरान में है कि अगर कोई आदमी चोरी करे तो उसका हाथ काट दिया जाए। चोरी किया उसने, हाथ काट दिया गया। अब बताइए चोर की निस्बत से यह चीज बुरी है कि उसका हाथ काट दिया गया, और मालदारों की निस्बत से यह चीज अच्छी है कि कम से कम उसका हाथ काट दिया गया तो चोरी तो नहीं करेगा। तो देखो निस्बत की वजह से एक चीज अच्छी है और एक चीज बुरी है। इतना समझ में आया ना? हाँ, ये याद रखो आप। तो वो दिन मनहूस नहीं है, उस दिन अजाब आया लेकिन उनके करतूतों की वजह से। ये छुरी से आपने पेट फाड़ दिया, छुरी फी नफ से ही बुरी चीज नहीं है। वाजे होगी बात जी। इनके कत्ल का प्लान बना लिया गया कि तीनों को मार डालो। अब एक आदमी बिल्कुल गांव के आखिरी सिरे पर रहता था, दौड़ा दौड़ाया वह जा अमिन अक्सल मदीना तिरजुलसा काल या कौमित तबिउल मुरसलीन तबिउ मल्लायस अलुकुम अजरम व मुहतदून। कितनी अच्छी बात बता रहे, देखो यानी बस्ती में सारे लोग नालायक नहीं होते, कम से कम एक आदमी तो अच्छा होता ही है, पूरी बस्ती खराब नहीं होती, कम से कम एक आदमी अच्छा होता है। अब देखो एक आदमी अच्छा था, भागा भागा आया और तकरीर की इसने कौम के सामने कि मैं भी तुम्ही लोगों में से एक हूं, तुम लोग अजीब हो, तुम लोग रसूलों की इत्तेबा करो, बोल रहे हो इनकी बात मानो, इत्तेबा मुरसलीन। क्यों? इसलिए कि इनके अंदर दो चीजें हैं, देखो गौर से, इनके अंदर दो चीजें हैं। एक चीज तो ये है कि ये तुम्हें अच्छी बातें बता रहे हैं तो पैसे में नहीं मांग रहे, मल्ला यसअलुकुम अजरा, दूर दराज से आए हैं तुम्हारे गांव में, कोई मतलब नहीं है इनका। अगर ये पैसे मांगते, कोई अज्र चाहते तो तुम कह सकते थे कि किसी मतलब से आए हैं, लेकिन ये तो पैसे भी नहीं मांग रहे ना, मल्ला यसअलुकुम अजरा। और दूसरे वह मुहतदून, इनकी सीरत देखो कितनी अच्छी है, इनका किरदार बेदाग है। गोया एक ही जुमले के अंदर इस शख्स ने इन तीनों रसूलों की पूरी बायोग्राफी बता दी। क्या? कि ये इत्तेबा के लायक हैं। क्यों? पैसे नहीं मांग रहे ना, ये तुम्हारे खैर खां हैं, ये दूर दराज से आकर तुमको अच्छी बात बता रहे हैं, अगर कुछ मांग नहीं रहे तो। और दूसरे इनका किरदार देखो कितने अच्छे हैं, इनका किरदार बिल्कुल बेदाग है। एक जुमले के अंदर उन लोगों की पूरी सीरत की तस्वीर तशी कर दी है इस शख्स ने इतने जामे अंदाज में, और कहने लगा वमालिया ला आबुदुल लदीफ। अब ये अल्लाह के अलावा गैरों की परस्तिश करते थे ना, तो क्या कहना चाहिए था इसको? अरे तुम लोगों को क्या हो गया है कि जिसने तुमको पैदा किया उसकी इबादत नहीं कर रहे हो? बल्कि क्या बोलता है ये,
मुझे क्या हो गया है कि मैं उसकी इबादत ना करूं जिसने मुझे पैदा किया है। ये देखो दावत का एक तरीका बताया गया कि किसी के सामने जब दावत पेश करो तो पहले उसे गुमराह मत ठहराओ। अरे तू गुमराह है, तू जाहिल आदमी है, तेरी समझ में क्या बात आएगी। अरे जब दावत इस तरह पेश करोगे तो उसे मानना भी होगा तो नहीं मानेगा। तो मधु को गुमराह और जाहिल करार दे करके आप अगर दावत पेश करेंगे तो बजाय इसके कि आपकी दावत को कबूल करे वो आपका मुखालिफ बन जाएगा, मुआनिद बन जाएगा। तो क्या बोल रहा है देखो, मुझे क्या हो गया है कि ला आबुदुल्लजी फतरनी, कि मैं अल्लाह की इबादत ना करूं, उस जात की परस्तिश ना करूं जिसने मुझे पैदा किया है। अच्छा जब लौटाने की बात आई तो ये नहीं कह रहा है जिसकी तरफ मैं लौटाया जाऊंगा, वो कह रहा भाई ले ही तुर जाओ जिसकी तरफ तुम लोग लौटाए जाओगे। देखो कितनी अच्छी बात की उसने, लौटाने की बात आई तो तुम लोग लौटाओ जाओगे उसकी तरफ, डरा रहा है। लेकिन दावत जब पेश कर रहा है अल्लाह की इबादत की बात कर रहा है तो कह रहा है मुझे क्या हो गया है कि मैं अल्लाह की इबादत ना करूं, उस जात की परस्तिश ना करूं जिसने मुझे पैदा किया। यह दावत का अंदाज बताया गया। और फिर कह रहा है क्या मैं अल्लाह के अलावा माबूद बना लूं, कि अगर रहमान कोई तकलीफ पहुंचाना चाहे तो उनकी सिफारिश मुझे कोई फायदा नहीं देगी और ना वो बचा सकते हैं। कह ये रहा है कि ये जिनकी पूजा तुम कर रहे हो, अगर रहमान मुझे कोई तकलीफ पहुंचा दे तो ये मेरी तकलीफ दूर नहीं कर सकते। इन्नी इज़ल लफी ज़लालिम मुबीन, अगर मैं अल्लाह को छोड़ करके किसी और की परस्तिश करूं तब तो मैं गुमराह हो जाऊंगा, खुली गुमराह हूं। अब डायरेक्ट ऐलान कर दे रहा, इन्नी आमंतु बिरब्बिकुम, ये नहीं कहा, ये नहीं कहा मैं अपने रब पर ही मान ला, तुम्हारे रब वो मेरा भी रब है तुम्हारा भी रब है, रब्बुल आलमीन है वो। इन्नी आमंतु बिरब्बिकुम, ये नहीं कह रहा मेरे रब के ऊपर, मैं तुम्हारे रब के ऊपर ही मान लिया, मैंने कोई गलती नहीं की, वो तो तुम्हारा भी रब है ना। फसमाउंड, मेरी बात सुनो, कहा कि मारो इसको। सारे लोग उसके ऊपर टूट पड़े, और जब लोग हटे वहां से तो वो मर चुका था, मर चुका था। सारे लोगों ने उसे लात खूंसे मार मार करके हलाक कर दिया। वहां से जब हटे तो देखा गया कि वो आदमी जिंदा नहीं है, मर गया। लाहो तौहीद के लिए कुछ लोग इस तरह भी मरते हैं, इस तरह मर जाते हैं तौहीद के लिए, सिर्फ अल्लाह की इबादत को पेश करने के लिए, अल्लाह की इबादत की तरफ लोगों को बुलाने के लिए कुछ लोग इस तरह भी जान दे देते हैं। अल्लाह ने फरमाया तूने मेरी तौहीद के लिए जान दी है तो तेरे लिए बरजख नहीं है। दूसरे लोग कहां रहते, मरने के बाद से लेकर उठाए जाने तक वो बरजख में रहते हैं, वो न दुनिया में रहते हैं ना आखिरत में रहते हैं, न जन्नत में रहते हैं ना जहन्नम में रहते हैं, कोई सिज्जीन में रहता है कोई इल्लीयीन में रहता है। लेकिन अल्लाह फरमाता है कि तुम लोगों के लिए बरजख नहीं है, आ जाओ हमारी जन्नत में। कील अदखुलिल जन्ना, जान दे दी, अल्लाह ने फरमाया मेरी जन्नत के अंदर आ जा, जन्नत के अंदर आ जा। बरजख को भी से हटा लिया गया, यहां से यहां तक ये रहना है आदमी को मरने के बाद, ये हटा लिया गया, पूरा पीरियड खत्म कर दिया गया, इसलिए कि उसने अल्लाह की तौहीद के लिए जान दी है। ये तौहीद की कदर कीमत जी, डायरेक्ट बरजख हटा लिया गया, यहां से यहां तक तुम्हें नहीं रहना है, ये डायरेक्ट इधर से इधर आ जाओ। कील अदखुलिल जन्ना, जन्नत में आ जाओ, दाखिल हो जाओ जन्नत में। अब जन्नत में पहुंचा, वहां की नेमतें देखी तो कहने लगा या लैत कौमी यालमून, हाय काश मेरी कौम को मालूम होता, बिमा गफर ली रब्बी, तौहीद की वजह से मेरे रब ने मुझे माफ कर दिया, वह जालनी मिनल मुकरमीन, और मेरे रब ने मेरा कितना इकराम किया है, मेरी कितनी इज्जत की है। इसका मतलब यह है कि तौहीद से आदमी के गुनाह माफ हो जाते हैं, और तौहीद से अल्लाह तबारक व तआला की निगाह में इंसान बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत मुअज्जज़ हो जाता है, अल्लाह के नजदीक मुकरम हो जाता है। वह जालनी मिनल मुकरमीन, इब्न अब्बास फरमाते हैं, ताला अन्हु इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा
رحم الله مؤمن آل ياسين نصح قومه حيا وميتا. اللہ آل یاسین کے اس مومن کے اوپر رحم کرے کہ زندہ رہا تب بھی اپنی قوم کا خیر خواہ رہا, مرنے کے بعد جنت میں پہنچا تب بھی اپنے قوم کو نہیں بھولا, ان کی خیر خواہی کر رہا ہے. اللہ, یہ کہتے مسلمان ٹیررسٹ ہوتے, دیکھو مرنے کے بعد بھی وہیں سے بول رہا ہے کاش میری قوم جان پاتی سمجھ لیتی. یہ اپنی قوم کا غیر مسلم ہے, مرنے کے بعد بھی ان کا خیر خواہ ہے. ابن عباس نے وہی کہا کہ اللہ آل یاسین کے مومن کے اوپر رحم کرے کہ وہ زندہ تھا تو بھی اپنی غیر مسلم قوم کے لیے خیر خواہ تھا اور مرنے کے بعد بھی خیر خواہی میں لگا ہوا ہے. جو توحید والے ہوتے وہ زندگی میں بھی مسلمانوں کے خیر خواہ تو ہوتے ہی ہیں, غیر مسلموں کے بھی خیر خواہ ہوتے اور مرنے کے بعد بھی ان کی خیر خواہی سے ہچکچاتے نہیں. یہ کہتے کہ کاش جو میرا دوست غیر مسلم تھا, میرے محلے میں جو غیر مسلم لوگ تھے, کاش وہ بھی توحید قبول کر لیتے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے معاف کر دیا اور جس کی وجہ سے اللہ نے میرا اکرام کیا ہے, کاش یہ مغفرت انہیں حاصل ہوتی اور یہ اکرام یہ عزت ان کو حاصل ہوتی. اللہ, ایک آدمی مار دیا گیا اور مرنے کے بعد دوبارہ زندگی, سوال یہ پیدا ہوا مرنے کے بعد آدمی ہوتا ہے زندہ؟ جی, دلیل آگے دی جا رہی ہے, مرنے کے بعد آدمی زندہ ہوتا ہے, تمہارے سامنے ہی ہے نا دلیل. کیا؟ وَآیَتُ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا. کسی ایسی زمین سے گزرے ہو گرمی کے موسم میں جب دھول اڑ رہی ہوتی ہے میدان میں, کھیل کا میدان ہوتا ہے نا, ملعب پلے فیلڈ ہوتی ہے, گرمی میں جاؤ تو خالی دھول ہوتی ہے وہاں پہ, دھول ہوتی ہے, کہیں کوئی معمولی ہرا پودا نظر نہیں آتا. دھوپ کی وجہ سے سارے پودے جل جاتے ہیں, دھول اڑتی ہے. اور برسات میں اسی فیلڈ میں جاؤ تو چاروں طرف ہریالی ہریالی نظر آتی ہے. اس کا مطلب پودے اوپر سے سوکھ چکے ہیں مگر ان کی جڑیں دھول کے اندر ہیں. جب بارش ہوتی ہے تو وہ جو جڑیں دھول کے اندر ہیں ان جڑوں کو دوبارہ زندگی مل جاتی ہے پانی کی وجہ سے, اور پودے ہرے بھرے ہو کر کے واپس آ جاتے ہیں. اللہ فرما رہا ہے ایسے ہی مرنے کے بعد تم زمین میں چلے جاؤ گے تو سور پھونکنے کے بعد ایسے ہی تم کو اٹھایا جائے گا جیسے یہ سوکھی ہوئی زمین کا, بری ہوئی زمین کا حال ہے. یہ مشاہداتی دلیل ہے باس بادل موت کی. کیا کتاب ہے, کتنی شاندار کتاب ہے. وَآیَتُ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا. مری ہوئی زمین نشانی ہے ان کے لیے, ہم مری ہوئی زمین کو, یعنی جہاں زمین سوکھی ہوئی ہوتی ہے, کچھ گرمی کے موسم میں کچھ ہریالی دکھائی نہیں دیتی, وہ مری ہوئی زمین ہے. بارش ہوتی تو أَحْيَيْنَاهَا, تو مری ہوئی زمین کو ہم زندہ کرتے ہیں. تو تم مر جاؤ گے تو ہم تم کو زندہ نہیں کر سکتے, کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کے بعد باس بادل موت پر ایک بہت ہی دقیق, ایک بہت ہی باریک اور ایک بہت ہی علمی دلیل دی جا رہی ہے. دلیل کیا ہے؟ قانون تزویج. اس کائنات میں قانون ہے, ایک لا ہے جو جاری ہے کہ ہر چیز اپنا ایک جوڑا رکھتی ہے. گورے کے مقابلے میں کالا, ناٹے کے مقابلے میں اونچا, بلندی کے مقابلے میں پستی, برے کے مقابلے میں اچھا, مرد کے مقابلے میں عورت. دنیا میں کون سی ایسی چیز ہے جس کا جوڑا نہیں ہے؟ اس کائنات میں ایک لا ہے ہمارا, ایک لا جاری ہے اور وہ قانون تزویج, ہر چیز اپنا جوڑا رکھتی ہے. تو جب ہر چیز اپنا جوڑا رکھتی ہے تو دنیا کا بھی ایک جوڑا ہونا چاہیے نا, آخرت. یہ کیسے؟ اس لیے کہ جب تک چیز اپنے جوڑے سے نہ ملے تب تک نتیجہ نہیں نکلتا. مرد اگر عورت سے نہ ملے بچہ پیدا ہوگا نہیں نا. کوئی یہ کہے کہ میں شادی نہیں کروں گا اور بچہ ہو جائے گا, انت جاہل. اس لیے کہ عورت سے ملے بغیر
जोड़े से मिले बगैर जिंदगी बामकसद नहीं होती। ऐसे ही कोई चीज अपने जोड़े से ना मिले तो बामकसद नहीं होती। ऐसे ही दुनिया का जोड़ा होना चाहिए, वरना दुनिया पे मकसद हो जाएगी। इसलिए दुनिया का जोड़ा आखिरत होना चाहिए, ताकि ये दुनिया आखिरत से मिले तो इसका कोई नतीजा निकलना चाहिए ना। इसलिए कि चीज अपने जोड़े से न मिले तो बेमकसद होती है, लिहाजा दुनिया का जोड़ा होना चाहिए आखिरत। कानून तजवीज जो कि एक बारीक कानून है, उसे अल्लाह तबारक तआला ने बास बादल मौतर इस्तिदलाल फरमाया कि मरने के बाद एक जिंदगी है, दुनिया का एक जोड़ा होना चाहिए, नहीं तो नतीजा नहीं निकलेगा। एक आदमी ने एक कत्ल किया है, सजा एक ही बार कत्ल है ना, और 50 कत्ल किए हैं तो अब दुनिया का कौन सा कानून से मुकम्मल सजा दे सकता है? नहीं ना, मुमकिन नहीं है। इसलिए कि एक आदमी को एक कत्ल के बदले में एक ही मर्तबा कत्ल किया जा सकता है। अगर 10 कत्ल किए हैं तो दुनिया का कोई कानून इसे पूरी सजा नहीं दे सकता। अल्लाह फरमा रहा है इसी वजह से एक ऐसा जहान होना चाहिए, एक ऐसा आलम होना चाहिए जहां आदमी के गुनाह की पूरी पूरी सजा दी जाए। जी जी जी। कानून नहीं है, वही कहा गया सुभान अल्लज़ी खलक़ल अज़वाज कुल्लहा, पाक है वो जात जिसने तमाम जोड़े बनाए, जोड़े बनाए सब जोड़े बनाए। फरमाया वल कमर कद्दरनाहु, सूरत की भी मंजिलें मुकर्रर हैं, एक दिन सूरत चलते चलते रुक जाएगा। और एक नुक्ता बताऊं, जब तक ये सूरज है तब तक कायनात है, सूरज खत्म हुआ तो कायनात खत्म हो गई। तो गोया सूरज का एक सफर है जो जारी है, जहां इसका सफर खत्म हुआ इस कायनात का सफर खत्म हुआ। वश्शम्सु तजरी लिमुस्तकर्रिल्ला ज़ालिका तकदीरुल अज़ीज़िल अलीम, सूरज मुकम्मल सफर में है, अपने मुस्तकर की तरफ बढ़ रहा है जहां उसे रुकना है। मुस्तकर मीन्स लास्ट स्टॉप की तरफ बढ़ रहा है। लास्ट स्टॉप की तरफ बढ़ रहा है, चल रहा है। स्टॉप आया, जैसे ही रुका तैसे ही कायनात खत्म है, डेड एंड। यहां से आगे पटरी नहीं जाती है, रेल यहीं रुक गई है। इसी तरह चांद की भी मंजिलें हैं। एक मुफस्सिल लिखता है कि इंसान का हाल चांद के हाल की तरह है। कोई आदमी अगर अपने हाल का मुआजना करना चाहे तो चांद को देख ले। चांद पहले छोटा रहता है, कमजोर होता है, फिर धीरे धीरे उसकी कुव्वत बढ़ती जाती है, फिर इसकी कुव्वत मुकम्मल हो जाती है, बद्र कामिल फुल मून, उसके बाद फिर घटने लगता है। इंसान की जिंदगी ऐसे ही है, पैदा होता है तो बहुत कमजोर होता है, धीरे धीरे ताकत बढ़ती रहती है, यहां तक कि जवान हो जाता है, फुल मून की तरह हो जाता है, उसके बाद फिर जवाल शुरू होता है और फिर डूब जाता है। तो आदमी को देखना चाहिए कि मेरा हाल कैसा है, तो चांद को देख ले, उसे मालूम हो जाएगा कि इंसान की जिंदगी के हालात क्या हैं, इंसान की जिंदगी के अहवाल वही हैं जो चांद के अहवाल हैं। वल कमर कद्दरनाहु मनाज़िल हत्ता आदकल उर्जुनिल कदीम, चांद की यह मजाल नहीं कि सूरज को पकड़ सके, और सूरज की यह मजाल नहीं कि चांद को पकड़ सके, इसलिए कि दोनों अपने अपने ऑर्बिट में हैं। ये ऑर्बिट है उसका, घूम रहे हैं उसी में। चांद अपने ऑर्बिट में है, अगर सूरज अपने ऑर्बिट से निकलकर चांद के ऑर्बिट में आ जाए, और चांद अपने ऑर्बिट से निकलकर अपने महवर से निकलकर अपने एक्सिस से सूरज के महवर में आ जाए, तो निजामे कायनात दरहम बरहम हो जाए। ये कौन है जिसने हर एक के ऊपर पाबंदी लगा रखी है, डोंट मूव, क्रॉस मत करो, अपनी हदों को क्रॉस मत करो, डोंट क्रॉस योर लिमिट्स, सब अपनी अपनी हदों में रहो, अगर ये हदें मुकर्रर ना हो तो कायनात का निजाम दरहम बरहम हो जाए। ये कौन है जिसने हर चीज को लिमिटेड कर रखा है और ये हुक्म दे रखा है डोंट क्रॉस योर लिमिट्स,
यह है बाजमत हमारा रब, बहुत ही ताकतवर है, बहुत ही ताकतवर है, बहुत ही ताकतवर है। करें और हर एक अपने अपने महवर में तैर रहा है, घूम रहा है, नहीं कहा गया। साइंसदान बताते हैं कि अगर देखा जाए कि सैयारे कैसे मूव करते हैं, कैसे चलते हैं, तो ऐसा लगेगा जैसे कोई आदमी पानी में तैर रहा हो। बिल्कुल इसके लिए सबहा है, सबहा मींस टू स्विम, तैरना। तो तमाम सैयारों को देखो तो ये ताबीर बिल्कुल परफेक्ट है कि वो इस तरीके से अपने अपने मदारों में घूम रहे हैं जैसे कोई शख्स पानी में तैर रहा हो। अल्लाह वकुल्लुन फी फलकिन यसबहून, हर एक अपने मदार में से तैर रहा है। बास बादल मौत की एक और दलील ली जा रही है, बहुत ही प्यारी दलील है। मरने के बाद जिंदगी है उसके लिए, अजीब गरीब दलील है, मतलब अजीब जाओ। नहीं सुना होगा आपने कभी, बैठो ये कुरान है, ये काम मिलता है। अल्लाह फरमा रहा है الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ، اللہ اسی زندہ کرے گا۔ باس بادل موت کی دلیل، قُلْ اِحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، وہ ہرے درخت سے آگ نکالتا ہے۔ کیا مطلب ہرے درخت سے آگ نکالتا ہے؟ پہلے ماچس نہیں تھی، عرب اگر سفر میں ہوتے تھے तो जनदैन लेते थे, जनदैन मतलब चकमाक, एक पत्थर उठाते थे और एक पत्थर, फिर दोनों को रगड़ते थे तो आग निकलती थी। इसको कहते हैं जनदैन, चकमाक। और आग निकालने का एक और तरीका था, दो दरख्त होते थे, एक मर्ख और एक एफार, उसी का तस्करा यहां पर, मर्ख और अफार। मर्ख जो होता है मुजक्कर होता है, मर्द होता है, और अफार ये औरत होती है, मोनस होती है। और कितने बड़े बड़े होते हैं, मर्ख की लंबाई मेरा ख्याल है कि 3 मीटर होती है लंबाई उसके, बस इतना ही होता है। और जैसे ही वो आधी हाइट तक पहुंचता है उसके पत्ते गिर जाते हैं, खाली तना खड़ा रहता है इसका। और अफार जो है वो औरत, वो दरख्त, वो ज्यादा से ज्यादा 2 मीटर तक, तो ये ज्यादा से ज्यादा 3 मीटर लंबा होता है और वो अफार है ज्यादा से ज्यादा 2 मीटर लंबा होता है। अब अरब क्या करते थे कि जब आग निकालना होता था, पत्थर नहीं मिला, चारों तरफ पत्थर नहीं है, तो क्या करते थे, मिसवाक के बराबर दोनों दरख्तों की डालियां काट लेते थे, वहां से काट लिया मिसवाक के बराबर, और अफार से भी एक डाली काट लिया मिसवाक के बराबर। और जब इनको काटते थे तो इनसे पानी गिरता था, पानी का रंग क्या होता था, साइल लबनी जुन, यानी बिल्कुल मिल्की होता था, दूध जैसा, बिल्कुल दूध जैसा, यानी मिल्की लिक्विड होता था, दूध जैसा लिक्विड होता था, ऐसे काटने पर ऐसे गिरता रहता था, देखो पानी है ये। और उसके बाद दोनों को रगड़ते थे तो आग निकलती थी। अल्लाह ने फरमाया देखो हमने हरी चीज से आग निकाल दी, हरी चीज वो पानी है, पानी से हम आग निकाल सकते हैं, तो क्या अगर आदमी मिट्टी हो जाए और उसे राख बना दिया जाए तो क्या राख और मिट्टी से हम जिंदगी की नमूद नहीं कर सकते, जिंदगी नहीं निकाल सकते? हम तो पानी से आग निकाल सकते हैं जो एक दूसरे की जिद है, इखराज जिद मिन जिद, एक जिद से दूसरी जिद निकाल सकते हैं, हम इस बात पर कादिर हैं। फहुवल कादिर वाला इखराज जिद मिन जिद, जिद से जिद निकालने पर, जैसे पानी से आग, ये पानी और आग दोनों जिद है, अगर हम पानी और आग, पानी से आग निकाल सकते हैं तो मिट्टी से और राख से जिंदगी की नमूद क्यों नहीं कर सकते हम? ये बहुत ही प्यारी दलील है इसकी, बास बादल मौत की। उसके बाद एक वाकया बयान किया, जरा बहुत गौर से सुनो वाकया क्या है, यहां से अल्लाह बयान कर रहा है।
قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ, یہ ایک جنتی کا واقعہ ہے, جنت میں پہنچ گیا یہ. وہ بولتا ہے میرے رب میرا ایک دوست تھا, یعنی میرا ایک فرینڈ تھا. وہ کہاں ہے؟ وہ ہم دونوں مل کر دھندا کرتے تھے, وہ دکھائی نہیں دے رہے ہیں جنت میں. اللہ نے فرمایا کون تھا وہ؟ بولے کافر تھا وہ. بولے وہ کفر ہی پڑ رہا, دیکھنا چاہتا ہے؟ بولے ہاں دیکھنا چاہتا ہوں. قال هل انتم متلعون, دیکھنا چاہتا ہے؟ فطلع, اللہ کہتا دیکھ, جھانکتا اسے جہنم کی طرف. فرآہ فی سوائل جہیم, جنت کے بیچوں بیچ جلتا ہوا نظر آ رہا ہے, وہ آگ کے لپوں میں گرا ہوا ہے. ارے بولے اللہ ان کی تلتر دین, اگر میں اس کے ساتھ رہتا اس کی باتوں میں آ جاتا تو یہ تو میرا ستیاناش کر دیتا تھا, لتر دین مجھے ہلاک کر دیتا تھا. اچھا ہوا میں اس کی باتوں میں نہیں آیا. ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین, میرے رب کی نعمت نہ ہوتی تو میں آج یہاں حاضر نہ ہوتا, جنت میں نہ ہوتا. اب اس کے بعد خوش ہو کر کے بول رہا ہے افما نحن بمیتین, اب مرنا نہیں ہے کیا؟ اور بولتا ہو جنت میں, بولتا ہے مرنا نہیں ہے نا. اللہ اکبر, الا موتتنا الاولى, وہ جو پہلی موت آ گئی نا اس کے بعد مرنا تو نہیں ہے نا. اسے دیکھ کر کے بولے گا اس نعمت کو اور اس جنت کو چھوڑ کر مرنا کون چاہے گا؟ بولتا ہے کیا مرنا نہیں, بولتا ہے افما نحن بمیتین الا موتتنا الاولى, پہلی موت کے بعد اب موت نہیں آئے گی نا. بولا ان ھذا لہو الفوز العظیم, ہوا یہ کہ یہ دونوں دوست تھے, ایک کافر تھا ایک مومن تھا, انہوں نے مل کر کے شراکت میں دھندا کیا. نفع آیا 6000, تو 3000 دینار دونوں نے لے لیے. ایک دفعہ دونوں ملے, کہا کہ وہ 3000 کا کیا کیے؟ مومن پوچھ رہا ہے تو کافر بول رہا ہے ابھی 1000 روپے کا میں نے ایک فارم ہاؤس لیا ہے, ارض لیا ہے, ارض میں زمین لیے, فارم ہاؤس لیا ہے, اس میں نخل ہے اور نہر ہے, ایک نہر چل رہی ہے اور اس میں کھجوروں کے درخت ہیں, 1000 دینار کا میں نے وہ فارم ہاؤس لے لیا ہے. اچھا, اب آیا رات میں اللہ کے حضور یہ مومن, بولے میرے رب تجھے معلوم ہے کہ 3000 دینار نفع ہوا ہے, مجھے ملا ہے, میرے کافر ساتھی نے ایک فارم ہاؤس لے لیا ہے, ایک جگہ لے لی ہے, تو میں جنت میں ایک جگہ لینا چاہتا ہوں جہاں پر کھجوروں کے باغات ہوں اور نہریں ہوں, تو 1000 دینار میں مسکینوں کو دے دیتا ہوں. لیکن اللہ کی راہ میں دے دیا. پھر ملا, بولے کیا بات ہے؟ بولے 1000 کا تو میں نے فارم ہاؤس لے لیا تھا, دوسرے کا کیا کیا؟ بولے 1000 روپے میں میں نے غلام لے لیے ہیں جو میرے گھر میں بھی کام کرتے ہیں اور میرے فارم ہاؤس پر بھی کام کرتے ہیں. وہ پھر یہ رات میں آیا, میرے رب میرے کافر ساتھی نے 1000 دینار میں غلام لے لیے ہیں جو اس کے گھر میں اور اس کے فارم ہاؤس پر کام کرتے ہیں, تو مجھے جنت میں بہت سارے غلام چاہیے, تو 1000 میں مسکینوں کو تیری راہ میں دے دیتا ہوں. پھر ملا, بولے آگے کیا کیا تو نے؟ بولے 1000 روپے کے اندر میں نے خوبصورت لڑکی سے شادی کر لی ہے, مہر میں دیا ہے میں نے اس کو 1000 دینار, سب شادی میں خرچہ کیا. رات میں آیا, بولے میرے رب میں 1000 دینار جو نفع میں ملا تھا اور باقی رہ گیا ہے, میں جنت میں ایک حور سے شادی کرنے کی تمنا رکھتا ہوں, اس کی مہر کے طور پر میں مسکینوں کو 1000 دینار دے دیتا ہوں. بولے اللہ کو اس کی یاد اتنی پسند ہے, سدھی نے واقعہ لکھا ہے. تو یہ جنت میں چلا گیا اور وہ اپنے کفر پر جمع رہا, اس کا صدقہ کام آیا اور اس کے باغات, اس کی بیوی اور اس کا فارم ہاؤس, اس کے کوئی کام نہیں ہے, اس کے غلام کوئی کام نہیں ہے, جہنم میں چلا گیا. تو کہہ رہا ہے میرے رب میرا ایک دوست تھا, انی کان لی قرین, کیا بولتا تھا وہ؟ یقول اینک لمن المصدقین, ارے تجھے مرنے کے بعد کی زندگی پر یقین ہے؟
और दलील देता है ऐदा मितना व कुन्ना तुराब व इजामन ऐन्ना लमदीनून, अरे जब हम मर जाएंगे और सड़ गड़ करके हड्डी हो जाएंगे तो दोबारा हमसे हिसाब लिया जाएगा, ये कोई बात है? ऐसा बोलता था उसको, तभी तो उसने कहा मैं उसकी बातों में आ जाता तब तो तबाह हो जाता है, ऐसे जब आखिरत पर यकीन नहीं था मरने के बाद की जिंदगी पर तो कहां गया वो, उधर देखना चाहेगा? देख, इसका मतलब अगर तुम किसी को देखना चाहोगे जन्नत में कि अल्लाह वो कहां है, अल्लाह फरमाएगा इधर नहीं आया हो, उधर चला गया हो, देखना चाहेगा? बड़े बड़े लोगों को देखोगे, आज तो हटो बटो की आवाजें आती है ना, हटो बचो, इनका ठिकाना बहुत बुरा है, देखना चाहोगे जन्नत से देख लेना इनका कितना बुरा हाल होने वाला है, सारी इनकी हैकड़ी हवा हो जाएगी, ये बेचारे इनके ऊपर बड़ा अफसोस होता है, हसरत होती है कि ये कितने खतरनाक अंजाम से दो चार होने वाले हैं, दुनिया तो बन गई है इनकी मगर आखिरत पूरी की पूरी तबाह कर दी है, और बड़ा बदनसीब है वो शख्स जो दुनिया हासिल करने के लिए अपनी आखिरत तबाह कर दे, इसलिए कि एक आरजी जिंदगी के मुकाबले में हमेशा की जिंदगी को तबाह कर देना ये कोई अकलमंदी नहीं है, सबसे पागल लोग हैं, कितने बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े हीरो हैं, बड़े बड़े सरमायादार हैं, सिर्फ दुनिया में मगन है वो, उनको परवाह नहीं है कि मरने के बाद हमारे साथ क्या होने वाला है, ये लोग अकलमंद हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये कयामत के दिन पता चल जाएगा कि बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोगों का हश्र क्या हुआ है, जी हश्र क्या हुआ है इनका। उसके बाद सूरह सौद है, उसमें एक वाकया है, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम बादशाह हैं, ये मेहराब में जहां नमाज पढ़ने के लिए इबादत के लिए कमरा आपने मखसूस कर रखा था, इबादत में थे, अचानक दो लोग मेहराब की दीवार फांप कर अंदर आ गए, कमरे में मेहराब में आ गए, इज तसव्वरुल मेहराब, मेहराब की दीवार कूद करके अंदर आ गए, उनको देख करके डर गए, ये कौन? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। फफज़िया मिन्हुम, डर गए, घबरा गए, कालू ला तखफ, दोनों बोले डरिए नहीं डरिए नहीं, पता ये चला कि नबी भी डर जाता है, मा तहतल असबाब आदमी डर सकता है, जी मा फौकल असबाब नहीं डरना चाहिए, डरना दो तरीके का होता है, सांप आप देख ले आप डर गए तो ये डरना मना नहीं है जी, बल्कि कह देना कि कब्र वाला भी मुझे तकलीफ पहुंचा सकता है, ये मा फौकल असबाब डरना है, ये जायज नहीं है, ये हराम है, ये मदद लेना अपने ड्राइवर से, ड्राइवर सामने है, चल भाई गाड़ी निकाल, ड्राइवर से आप मदद ले रहे, ये मातहतल असबाब है, और एक बाबा से बोलना जो मर गए हैं, बाबा मेरी मदद कीजिए, ये माफोकल असबाब है, ये इस्तियाना जायज नहीं है, फर्क है दोनों में जी। अब ये आए और वो डर गए, दीवार फांक कर अंदर आ गए, वो समझे चोर डाकू ये मुझे मारने के लिए आ गए, कालू ला तखफ, डोंट अफ्रेड ऑफ मी, डोंट अफ्रेड ऑफ अस, हमसे मत डरिए, एक मुकदमा लेकर के आए हैं, ताकि क्या है, बोले ये मेरा भाई है, इसके पास 99 दुंबियां हैं, दुंबी 99 दुंबियां हैं, भेड़े और मेरे पास एक दुंबी है, और ये बड़ी चरब जबानी से बात करता है, और कहता है कि वो एक दुंबी भी मेरी दुंबियों में मिला दे, क्या एक दुंबी लेकर के घूमता रहता है, टाइम पास करता रहता है, इसमें कर देना, और इसने जो है चरब जबानी से मेरी वो एक दुंबी भी अपनी दुंबियों में मिला लिया, इसने 99 को 100 कर लिया, आज कितने लोग हैं जो 99 को 100 करने के चक्कर में लगे हुए हैं, हैं? बाय हुक और बाय क्रूक, ये आदमी भी 99 को तिसुना तिसुना ना जा, 99 दुंबियां थी, ये 100 करने के चक्कर में था, 100 बनाने के चक्कर में, और बना लिया इसने, अब वो आदमी बोल रहा है हजरत मेरे पास कुछ नहीं रह गया, एक थी दुंबी वो भी गई, इस आदमी ने अपनी चरम जबानी से वो मेरी दुंबी हथिया ली है और 99 को 100 कर लिया, मेरे पास कुछ नहीं, लाशय अली मेरे पास कुछ भी नहीं है। हजरत गुस्से में आ गए और कहा लकस जालमा का, तूने जुल्म किया है, अल्लाह फरमा रहा है कि यहां गलती हो गई, मुद्दाले से भी पूछना चाहिए ना, यहां तालीम दी गई है कि दो आदमी आए तो जब तक दोनों की बातें ना सुन ले आप फैसला ना करें, यहां एक आदमी की बात सुनकर के मुद्दई की बात को सुनकर के इन्होंने फैसला कर दिया, मुद्दाले की भी बात सुनना चाहिए ना, मुद्दाले ये बोल सकता था ये झूठ बोल रहा है, ये मेरे पास 100 दुंबियां थी और इसने एक दुंबी चुरा ली थी,
अब मैं वो दुंबी मांग रहा हूं तो ये नहीं दे रहा है, और मैं आ नहीं रहा तो ये मुझे घसीट कर आपके पास लाया। वो बोल सकता था ना, ऐसा बोल सकता था वो, अब उसकी बात इन्होंने सुनी नहीं। ये क्या बोला, इसकी 99 थी एक मेरी थी, मेरी इसने मिला करके 100 पूरी कर लिए, मेरे ऊपर जुल्म किया इसने, तो दूसरे को भी बोले देना चाहिए था ना मुद्दाले को। वो बोलता, वो बोल सकता था कि मेरे पास 100 थी, एक ये चुरा कर ले गया था, अब मैं मांग रहा हूं तो नहीं दे रहा है, और मुझे पकड़कर यहां ले आया है, और इसलिए मुझे पकड़कर यहां लाया ताकि ये साबित कर सके कि मैं जालिम हूं और ये मजलूम है, और इसके चेहरे पर मत जाइए, ये जो मखाइले ज़ैफ है, ये कमजोरी के जो आसार इसके चेहरे के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, ये बना पागल है, ये पागल नहीं है, ये बना पागल है, ये हमारे क्या बोलते, एड़ा बनकर पेड़ा खा रहा है, तो ये एड़ा बनकर के पेड़ा खा रहा है। मुद्दाले की बात को सुनना चाहिए था ना, कि आपने इसके ऊपर कमजोरी के आसार देख करके फैसला कर दिया, मुद्दाले की बात को नहीं सुना आपने, डायरेक्ट बोल दिया लकद ज़लमा का बिसू अली नाजत का इला नियाज। अल्लाह तबारक तआला को उनकी ये बात पसंद नहीं आई, हमने उनको आजमाया, ये आजमाइश थी। फस्तगफरा रब्बहू व खर्रा राकिअन व अनाब, बताया नजात मिनल फितनि अल इस्तिगफार, फरमाया आदमी फितने से अगर बचना चाहे तो इस्तिगफार करे, इसलिए कि इस फितने के अंदर मुब्तला हुए, फतन्नाहू फस्तगफरा, पता ये चला कि आदमी फितने में मुब्तला हो तो नजात मिनल फितनि अल इस्तिगफार, फितने से अगर अपने आप को बचाना है तो इस्तिगफार करे। और एक उसूल बताया कि अक्सर पार्टनर्स ऐसे होते हैं, खलीत माने पार्टनर जी, अक्सर पार्टनर ऐसे होते हैं, ये दोनों मिलकर धंधा कर रहे, क्या करते, एक पार्टनर जो ज्यादा चालाक होता है, जैसे वो कि एक दुम्बी मिला करके 100 कर लिया, तो पार्टनर अक्सर ऐसे होते हैं, अल्लाह फरमा रहा है वो कसीर मिनल खुलता, अक्सर पार्टनर ऐसे होते हैं जो दूसरे पार्टनर को टोपी उड़ा देते हैं, लैबगी बात अल्लाह बास बास के ऊपर ज्यादती करता है, लेकर के बैठ जाता है, करोड़ों रुपए दबा करके बैठ जाता है जी। तो पार्टनरी में धंधा मत करो जहां तक हो सके, बिल्कुल भी नहीं। हां वो कलील उम्मा हम, ऐसे लोग बहुत कम हैं। वो कौन है, इल्लल्लज़ीना आमनू वामिलुस सालिहात, जो ईमान और अमल वाले हैं, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम है, लिहाजा देखभाल करके पार्टनरी में धंधा करो, वरना पार्टनर में पार्टनर बना करके धंधा मत करो, तबाह कर देगा वो, तबाह कर देगा आपको, ये बताया गया जी। उसके बाद अल्लाह फरमाता है सूरह ज़ुमर में कि हमने तुमको 3 तारीकियों में बनाया है, 3 तारीकियों में, एक तो है डार्कनेस ऑफ उम रहम का है, और एक है डार्कनेस ऑफ प्लेसेंटा, और एक डार्कनेस ऑफ स्टमक, ये 3 तारीकियों के अंदर बनाया है। अल्लाह क्यों फरमा रहा है, ये बता रहा है कि उन 3 तारीकियों में कौन ख्याल रख रहा था तुम्हारा, बना कौन रहा था, तुम्हारी देखभाल कौन कर रहा था, तुम्हारी मां देखभाल कर रही थी, तुम्हारा बाप देखभाल कर रहा था, कौन था जो इन 3 तारीकियों के अंदर तुम्हारी खबरगिरी कर रहा था, मैं ही हूं। पता ये चला कि सबसे ज्यादा मोहब्बत के लायक अल्लाह है जी, उसके बाद सबका नंबर आता है, तो मेरे रब सच्ची मोहब्बत के लायक तू ही है, जहां कोई देखभाल न कर सके, किसी का वहां पर गुजर ना हो सके, मेरे रब तूने मुझको हमको वहां पर पाला है और वहां ख्याल रखा है, मेरे रब मां बाप से ज्यादा सच्ची मोहब्बत के लायक हकीकत में तू ही है, जैसे तेरे अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, मेरे रब तेरे अलावा कोई सच्ची मोहब्बत के लायक नहीं जी। हमने तुमको 3 तारीकियों में बनाया है, और हमारी कुदरत देखो, तुम कोई चीज बनाते हो तो रोशनी के मोहताज होते हो, उजाले में बना सकते हो, अंधेरे में कोई चीज नहीं बना सकते, लेकिन हम 3 तारीकियों के अंदर इतना शानदार जिस्म अता करते हैं जिसकी नजीर नहीं है, मिसाल लाना, कोई बना सकता है तुम जैसा, हमने बनाया है तुमको और 3 तारीकियों के अंदर बनाया है, ये हमारा एक शाहकार है, तुम
मेरा एक मास्टरपीस हो। कायनात में तुम जैसा मास्टरपीस कोई नहीं है, और ये मास्टरपीस हमने उजाले में नहीं तीन तीन अंधेरों में बनाया है। फतबारक अल्लाह वासलुल खालिकिन, तो असलुल खालिकिन तो वही हुआ ना, असलुल खालिकिन वही हुआ। उसके बाद कहा गया अल्लाह रात को दिन के ऊपर लपेटता है, ये पगड़ी होती ना पगड़ी, इसे ऐसे लपेटते, ऐसे से लपेटते, तो अल्लाह ताला रात को दिन के ऊपर लपेटता है, दिन को रात के ऊपर लपेट देता है। लपेटना क्या पता चला, जमीन कुरवी है, बैजवी हो, चपटी नहीं है, गोल से बैजा होता है, जब पगड़ी होती टर्बन, लाइक टर्बन, युकव्विर तकवीर माने लपेटना, जैसे पगड़ी लपेटी जाती है, पता चला कि जमीन कोरवी है, वो कोरा की तरह है, गेंद की तरह है। हम लोगों को साइंस में पढ़ाते थे और बॉल लेते थे, बॉल, और एक बॉल रख करके एक तरफ लिखते थे इंडिया और एक तरफ लिखते थे अमेरिका, और उसके बाद फिर बैटरी से उसके ऊपर रोशनी डालते थे, बोले क्या नजर आ रहा है, बोले इंडिया नजर आ रहा है, बोले पीछे क्या है, बोले पीछे नहीं दिखाई दे रहा, बोले इसके पीछे अमेरिका है। तो जमीन कोरवी है, युकव्विर लैल तकवीर युकव्विर लैल अल नहार। उसके बाद कहा गया कि एक लाजवाब इंसान, हमारे नजदीक बहुत ही महबूब इंसान की सिफतें जानना चाहते हो, ऐसा इंसान हमको बहुत महबूब है, ऐसा बंदा मुझे बहुत महबूब है, कौन? अम्मन हुवा कानितुन आना अल्लैल साजिदन व काइमन यहज़रुल आखिरत व यरजू रहमत रब्बी। रात में वो इबादत करता है, रात की घड़ियों में आना अल्लैल साजिदन सजदा करता है, काइमन खड़ा रहता है, तहज्जुद पढ़ता है, यानी तहज्जुद का है, तहज्जुद पढ़ता है रात में, और तहज्जुद पढ़ने के बाद भी यहज़रुल आखिरत आखिरत से डरता है, वयरजू रहमत रब्बी और अपने रब की रहमत की उम्मीद करता है। जितने भी कयामुल लैल करने वाले हैं अभी 2 बजे से खड़े होंगे ना, ये उनके लिए है। तो आप तो एक काम कर रहे हो क्या, कि रात की घड़ियों में सजदा और कयाम कर रहे हो कि नहीं, एक चीज तो है, लेकिन 2 चीजें और होना चाहिए, अगर ये 2 चीजें नहीं है तो कयामुल लैल बेकार है। क्या, अगर कोई आदमी ये कह दे कि मैंने कयामुल लैल कर लिया मुझे जन्नत मिल गई, नहीं, कयामुल लैल करने के बाद 2 चीजें जरूरी है, डरते रहो, पता नहीं कबूल हुई कि नहीं हुई है कयामुल लैल की नमाजें, तो डरो, और साथ साथ मायूस भी मत हो, अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि कयामुल लैल अल्लाह ये कबूल कर लेगा, ये लिहाजा नाज भी मत करो और मायूस भी मत हो। तो कयामुल लैल के साथ साथ ये 2 चीजें होना जरूरी है, वरना ये कयामुल लैल बिल्कुल बेकार है। और कहा गया इल्म वाले और बेइल्म दोनों बराबर नहीं हो सकते, ये इल्म का तस्करा क्यों है, इसलिए कि अगर आदमी के पास इल्म ना हो तो कभी भी कयामुल लैल नहीं करेगा, उसे मालूम ना हो कि कुछ मिलने वाला है, तभी तो इल्म होना चाहिए ना कि क्यों हम कयामुल लैल कर रहे हैं, अगर इल्म नहीं है तो कयामुल लैल नहीं कर सकता, और जितना ज्यादा इल्म होगा उतना ही ज्यादा खुशू होगा उसके कयामुल लैल में। जी ये बात बताइए, ये जो कुरान की तफसीर हो रही है इसकी खसूसियत बयान की गई है, क्या है ये, इसकी हकीकत क्या है, अहमियत क्या है, सुन रहे हो ना, गौर से सुनो, सांस रोको तो बताता हूं इसकी अजमत जिसके लिए बैठे हैं आप। अल्लाह नज़ल अहसन अल हदीस, अल्लाह तबारक व ताला ने सबसे हसीन बात नाजिल फरमाई है, यानी कायनात में अगर कोई हसीन किताब हो सकती है, इंतहाई हसीन, कि उससे हसीन कोई किताब ना हो, तो यह कुरान हकीम है, माना के एतबार से भी हसीन और लफ्जों के एतबार से भी हसीन, कायनात की सबसे खूबसूरत किताब और कायनात की सबसे हसीन गुफ्तगू कलाम कौन सा, ये चीज है सबसे खूबसूरत किताब, किताब मुतशाबिहा फसाहत और बलागत में एक आयत दूसरी आयत ही की तरह है, कहीं ऐसा नहीं कि फसाहत और बलागत में कोई ज्यादा हो कोई कम हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, मसानिया बार बार पढ़ी जाने के लायक है। मेरी कितनी नॉवेल्स पढ़ी हैं, बाज़ बाज़ मुसन्निफीन की तो जिंदगी भर की किताबें में पढ़ गया,
जेम्स हेडली चेस को पढ़ने का मेरा वो था अंग्रेजी में, तो तकरीबन मैं 150 से ज्यादा नावल है खाली एक राइटर की पढ़ी है राइटर की अंग्रेजी में, थ्री नॉवल्स, बड़े बड़े जेम्स हेडली चेस है, जेम्स कुक है, रॉबर्ट लडलम है, जेमिनी कॉन्टेंट, जो बहुत बड़े बड़े ओदबा को मैंने पढ़ा है इंग्लिश में लेकिन एक किताब पढ़ने के बाद दोबारा उस किताब को पढ़ने का जी नहीं कहता है, इसलिए कि पहला ही पेज खोलो तो कहानी समझ में आ जाती है कि अंजाम क्या हो। अच्छा वो जो कातिल था जिसको वो डिक यानी जासूस तलाश कर रहा था वो तो घर का नौकर था, वो पहले पेज पर मालूम हो जाता कि इस कहानी का एंड क्या है, हिस्ट्री कहां खत्म होती है, किताब किताब। लेकिन यहां क्या है, मसानिया बार बार जी कहता पढ़ने के लिए, और जितनी बार पढ़ो उतना ज्यादा उससे मोहब्बत, उतनी ज्यादा उससे मोहब्बत होती चली जाती है, उससे ज्यादा उससे गहरा ताल्लुक होता चला जाता है, जितनी बार पढ़ो उतना ज्यादा उससे गहरा ताल्लुक पड़ता चला जाता है। अजीब और किताब है। मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने कहा कि इरविंग वैलिस की एक बुक पढ़ी आप, मैंने कहा कौन सी, बोले द सेकंड लेडी है, अच्छी किताब है पढ़ो, लेकिन बहुत गंदा राइटर है, बहुत गंदा राइटर, वल्गर अल्फाज इस्तेमाल करते हो, सुखियान अल्फाज लेकिन कहानी बहुत दिलचस्प है, बहुत जबरदस्त है, प्लानिंग उसकी बहुत गजब की है। तो मैंने पढ़ा एक दफा उसको, पूरी किताब है, बुक है, इरविंग वैलिस नाम है राइटर का, नॉवेल क्या है द सेकंड लेडी, बहुत बेहतरीन किताब है, लेकिन एक दफा पढ़ने के बाद दोबारा कभी पढ़ा ही नहीं, मेरे रैक में है लगी हुई, ठीक है कैसे कैसे हुआ था वो सब ठीक है, लेकिन यहां एक आयत को पढ़ने के बाद बार बार उस आयत को देखने का जी चाहता है कि कोई नया नुक्ता है, नया नया। तो अल्लाह नज़ला अहसन अल हदीस, सबसे प्यारी किताब दुनिया में, सबसे हसीन किताब ये, फसात और बलागत में एक आयत दूसरे आयत की बिल्कुल ममासिल है, मुतशाबे मसानिया, बार बार पढ़ने को जी चाहता है, दो चीजें, आयाते अजाब पढ़कर जो अल्लाह से डरते हैं उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और आयाते वाद पढ़कर, वादे की आयतें पढ़कर उनके दिल नरम हो जाते हैं। गोया के इस किताब में दो चीजें हैं, एक डराने की आयाते अजाब और एक है खुशखबरी की आयत। तो तक्शयरु मिनहु जुलूदुल लज़ीन यख्शौन रब्बहुम, जब आयाते अजाब आती है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और जब आयात वाद आती हैं, अल्लाह ने ये वादे किए हैं अपने बंदों से, जन्नत जवानी हमेशा के लिए, बुढ़ापा नहीं है वहां, वहां मौत नहीं है, वहां ऐसी ऐसी नेमतें कि आदमी सोच भी नहीं सकता, ये सारी जब आयात आती हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है, दिल को सुकून मिलता है, दिल नर्म हो जाता है। ثم تلين جلودهم فرمایا ذلك هدى الله هدى الله اي القران, ये कुरान अल्लाह की हिदायत है, और यहदी बिल्लाहु मन यशा, जिसको चाहता है कुरान के जरिए अल्लाह हिदायत देता है, और बड़े खुशनसीब होते हैं वो जिनको कुरान अल्लाह देता है और कुरान के जरिए हिदायत देता है। ये उसके बाद अरजा आयतिन फी किताबिल्लाह, कुरान हकीम में सबसे उम्मीद अफजा, उम्मीद को बढ़ाने वाली आयत कौन सी है, यही है, कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अन्फुसिहिम ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फिरुज़्ज़ुनूब जमीअ इन्नहू हुवल ग़फूरुर रहीम, पूरे कुरान हकीम में सबसे उम्मीद दिलाने वाली यही आयत है। इब्न अब्बास फरमाते, इब्न मसूद रजी अल्लाह तआला फरमाते, बहुत सारे सहाबा और ताबईन फरमाते कि कुरान हकीम में सबसे उम्मीद दिलाने वाली आयत यही है। क्या अल्लाह पहले अपने हबीब से बोल रहा है, आप बोलिए, कुल आप कह दीजिए। अब जाहिर है कि नबी भी बोल रहे हैं और अल्लाह के बोलने पर बोल रहे हैं, गोया कि अल्लाह बोल रहा है और उसका नबी भी बोल रहा है, ये दो चीजें, कुल ए हमारे हबीब आप बोल रहे, तो अल्लाह अपने नबी से कहलवा रहा है, गोया कि अल्लाह बोल रहा है और उसका नबी भी बोल रहा है, दोनों बोल रहे हैं। क्या या इबादी अल्लज़ीना असरफू, हे मेरे बंदो, ये या क्यों बोल रहा है, अल्लाह पुकारना होता है ना तो आदमी करीब ही होता है ना, तब ना पुकारता है, ए भाई सुनते ना, कोई आदमी सामने हो तो मैं बोलूंगा ना या अब्दुल्ला, अल्लाह फरमा रहा है या ला करके मैं तेरे साथ ही हूं, पास ही हूं, दूर नहीं हूं तुझसे मैं, हे तूने बहुत गुनाह किया ना, मायूस मत होना,
तू मेरा बंदा है, मैं तुझसे दूर नहीं हूं, बहुत करीब हूं तुझसे। मोहब्बत देख रहे हैं रब्बे ताला की अपने बंदों से, और बंदा है कि अल्लाह की नाफरमानी पर नाफरमानी किया जा रहा है, अल्लाह आवाज लगा रहा है क्या, या है यानी मैं तेरे साथ हूं, तुझसे दूर नहीं हूं, लैस बईद मिनकुम, तुझसे दूर नहीं हूं मैं। कौन? मेरे बंदे। बंदा नहीं कहा, मेरा बंदा कहा। लगा ना मेरा बेटा है, कैसा लगता है आदमी को? नहीं मामूली नहीं, बेटा है, मेरा बेटा है बोले तो। या इबादी, मेरे बंदे, बोले अल्लाह तबारक ताला ने यहां अपनी तरफ जो इजाफत की है, इजाफत तशरीफी है, मेरे बंदे हैं। है? कौन से बंदे? अल्लज़ीन असरफू अला अन्फुसिहिम, जिन्होंने अपने नफ्सों के ऊपर जुल्म किया है। इसराफ का मतलब होता है तजावुज, तजावुजुल हद फी शय, किसी चीज के अंदर हद से तजावुज कर देना, लिमिट को क्रॉस कर देना। और लिमिट क्रॉस करने का मतलब यह है कि इन्होंने बहुत गुनाह किए हैं यानी गुनाह की एक लिमिट होती है, इन्होंने लिमिट क्रॉस कर दी है गुनाह करने में, ऐसे लोगों के बारे में कहा जा रहा है समझ में आ रहा है आपको? एक है गुनाह लिमिट में किए हैं, यहां आलम यह कि गुनाह लिमिट के बाहर है, आउट ऑफ लिमिट है, उनको अल्लाह कह रहा है ऐ मेरे बंदो, जिन्होंने इतने गुनाह किए हैं जो आउट ऑफ लिमिट्स हैं, ला तकनतु, मायूस होने की जरूरत नहीं है तुम्हें, ला तखनतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। ये उन बंदों के बारे में कहा जा रहा है जिन्होंने गुनाह करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है, इतने गुनाह किए कि उन्होंने कोई हद नहीं छोड़ी है, हर हद क्रॉस कर डाली है, इतने गुनाह किए। मेरे वो बंदे, ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से मायूस मत हो। इन्नल्लाह यग़फिरु ज़ुनूब जमीया, ये नहीं कहा गया, ज़म्ब का प्लूरल है ज़ुनूब, एक गुनाह नहीं बख्शेगा, ज़ुनूब गुनाहों को बख्श देगा। सवाल पैदा हुआ, अगर ज़म्ब लाता तो एक गुनाह बख्श देगा, ज़ुनूब लाया तो बहुत सारे गुनाहों को बख्श देगा, कुछ छूट गए क्या? जमीयन, ऑल ऑफ देम, सारे गुनाह। इन्नल्लाह यग़फिरु ज़ुनूब जमीया, अल्लाह तमाम गुनाहों को बख्श देगा। क्रॉस, तमाम लिमिट्स क्रॉस करके आए हो फिर भी मायूस अगर होकर के नहीं आए हो तो फिर अल्लाह तुम्हारे तमाम गुनाहों को बख्श देने वाला है। क्यों? इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, इसलिए कि वो बहुत ज्यादा मगफरत करने वाला, बख्शने वाला, बहुत ज्यादा रहीम है वो। बहुत गजब की आयत है ये, और हम जैसे गुनाहगारों के लिए तो ये तो सबसे उम्मीद अफजा आयत है। अल्लाह से मोहब्बत हो जा रही है देख करके इस आयत करीमा को, है कि नहीं? इतना भी रहीम कोई हो सकता है क्या? फरमा बरदार बेटे के ऊपर अगर कोई रहीम हो, बाप अगर उसे चाहे तो ठीक है, वो लायक है कि चाहा जाए, लेकिन बेटा इंतहाई नाफरमान हो कि उसने नाफरमानी की तमाम हदें क्रॉस कर दी हैं, बाप अगर उससे मोहब्बत करे तो फिर बाप के रहम का अंदाजा नहीं किया जा सकता। समझे कुछ क्या है? तो हमें गुनाहों से तौबा करनी चाहिए और अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होनी चाहिए। बहुत उम्मीद अफजा आए थे। और आगे बड़ी प्यारी बात कही जा रही है, ये है غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول, अल्लाह अपनी सिफत क्या ला रहा है पहले, गुनाहों का बख्शने वाला ये देखिए पहले قابل التوب, कोई तौबा करे तो मैं कबूल करता हूं, तीसरे नंबर पे ला रहा है شديد العقاب, बहुत सख्त पकड़ करने वाला हूं तो सख्त पकड़ करने वाला हूं बाद में ला रहा है, पहले क्या बोल रहा है? غافر الذنب وقابل التوب, उम्मीद दिला रहा है गुनाहों को बख्श देता हूं मैं और तौबा करोगे तौबा को कबूल करूंगा, उसके बाद ला रहा है शदीद इलेकाब, बहुत सख्त पकड़ने वाला हूं मैं, डरा रहा है बाद में, पहले मगफरत की खुशखबरी दे रहा है और तौबा कबूल करने की खुशखबरी दे रहा है। कितना रहीम है, देखो अंदाजा लगाओ आप, पहले उम्मीद दिला रहा है बाद में डरा रहा है, तो
उसकी रहमत उसके गजब पर हावी है ना, उसके गजब पर गालिब है। इन रहमती तगलिब गजबी, इतना रहीम है वो। अल्लाह, الذين يحملون العرش, कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो अर्श को उठाए हुए हैं। अर्श को उठाए हुए बोले तो अब ये मसलन समझो ये अर्श है, अब इसको उठाए हुए हैं। बताओ क्या पता चला? दो बातें मालूम है, एक तो ये अल्लाह के बहुत करीब है इसलिए कि अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है, तो ये अर्श को उठाए हुए हैं तो एक तो अल्लाह के बड़े करीब हैं और दूसरे इंतहाई ताकतवर हैं। अल्लाह के अर्श को उठाना कोई मामूली बात है? कमजोर उठा सकता है क्या? इसका मतलब यह है कि ये फरिश्ते जो हमलतुल अर्श है, अर्श को उठाने वाले, अल्लाह के करीब भी है इसलिए अर्श को उठाए हुए और बहुत ताकतवर हैं। अर्श को उठाने के लिए कितना पावर चाहिए अंदाजा लगाइए आप। अच्छा, फिर उसके बाद वमन हौलहु, अर्श के इर्द गिर्द फरिश्ते, ये भी अल्लाह के बड़े करीब है। ये क्या करते हैं? एक काम तो ये करते हैं, ये सब बिहुन बिहम्द रब, अल्लाह की तस्बीह उसका हमद बयान, उसके हमद बयान कर। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? सुबहानल्लाह व बिहम्दिही, सुबहानल्लाहिल अज़ीम बराबर करते रहना चाहिए। यह हमलतुल अर्श की दुआ है जी। और क्या करते हैं? अल्लाह पर ईमान लाते हैं। और एक काम क्या है? वयस्तग़फिरूना लिल्लज़ीना आमनू, और जो ईमान ले आए उनके लिए दुआ करते हैं। क्या करते हैं? यस्तग़फिरून, ऐ अल्लाह इनको माफ कर दे, ईमान लाए। तो अपने फरिश्तों से भी दुआ करवा रहा है, कितना रहीम है, अंदाजा लगाइए। फरिश्ते भी दुआ कर रहे हैं हम गुनहगारों के लिए, और सिर्फ हमारे ही लिए नहीं। रब्बना वादखिलहुम जन्नात अदनिन अल्लती वअदतहुम, ये दुआ करते हैं कि अल्लाह इनके गुनाहों को बख्श दे। अस्तगफिर, फिर कहते हैं इनको जन्नत में दाखिल कर दे। और इन्हीं को नहीं, मिन उमन सलह मिन आबाईहिम, इनके नेक आबा व अजदाद को, इनके बाप को भी, व अजवाजहिम इनकी बीवियों को, व ज़ुर्रियातहिम इनके बच्चों को। खामख देखो, फरिश्तों से भी मोहब्बत हो जा रही है हमको। अरे जो हमारे लिए ऐसी दुआ करे, तो मलाइका के साथ हमारा, फरिश्तों से हमारा कितना गहरा ताल्लुक है। देखिए, फरिश्तों से ही हम फरिश्तों पर ईमान ला रहे, क्यों? इसलिए कि हमारा उनसे बड़ा गहरा ताल्लुक है। वो हमारे लिए कैसी दुआ करे? देखो, यस्तग़फिरूना लिल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों के लिए दुआ कर देंगे, अल्लाह इनको माफ कर दे। और सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारे आबा व अजदाद के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारी बीवियों के लिए, सबके लिए दुआ कर रही है। वमन सलह मिन आबाईहिम व अज़वाजहिम व ज़ुर्रियातहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, और एक दुआ और कर रहे हैं, वक़हिमुस सय्यिआत, अल्लाह इन्हें बुराइयों से बचाते रहना कि ये बुराई न करें। कैसी दुआ कर रहे हैं? एक तो उतना ही रहीम है और दूसरे इतने करीब और इतने ताकतवर फरिश्तों को लगा रखा है उसने कि ये हमारे लिए दुआ करते। थोड़ा सुधर जाओ, जन्नत मिल जाएगी इंशाल्लाह। जन्नत मिल जाएगी, मायूस होने की जरूरत नहीं, सुधार लो अपने आप को। फिर वो कह रहा है आगे इसी आयत, वकाला रब्बुकुम उदूनी अस्तजिब लकुम, तुम्हारे रब ने तुमसे कहा है कि तुम मुझसे दुआ करो, मैं दुआ को कबूल करता हूं ना। एक मुफस्सिल लिखता है, इन्नहु नदब इबादहु इला दुआईही व तकफ्फल लहुम बिल इजाबा, अल्लाह खुद दावत दे रहा है बंदों को कि दुआ करो, और फिर बोल रहा है कि मैं जमानत देता हूं कि तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। ये कैसी रहमत है? देखिए, एक तो बुला रहा है कि दुआ करो, उदूनी अस्तजिब लकुम, तुम दुआ करो, बुला रहा है, और फिर कहता है अस्तजिब लकुम, मैं गारंटी देता हूं कि कबूल कर लूंगा। कितना रहीम है देखो। तो दुआ से भी गाफिल मत हो, ये रमजान का महीना है, कयामुल लैल के बाद जब भी कोई टाइम मिले बिल्कुल दुआ करते रहे। इसमें दो चीजें हैं, एक तो दुआ कीजिए आप और एक अस्तजिब लकुम, दुआ को मैं कबूल करूंगा। इन्नल लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती, जो लोग मेरी इबादत से इस्तिकबार करते, पता चला कि दुआ ऐन इबादत है, और इसे कहा गया कि जो आदमी दुआ से एराज करता है, एराज करने का मतलब अरे मुझे दुआ की जरूरत नहीं है, तो ये जाहिर कर रहा है कि मैं अल्लाह से बेनियाज हूं, गनीजुन अनिल्ला वलैस मोहताज अनिलैही, कि मैं अल्लाह का मोहताज नहीं हूं, मुझे दुआ करने की जरूरत नहीं है। तो अल्लाह कह रहा है क्यों ऐसा कर रहा है, बड़ा बन रहा है ना,
तो सैयद खुलून जहन्नम आखरीन, तो छोटा बना करके तुझे जहन्नम में डाला जाए। अल्लाह के सामने जो बड़ा बने उसको छोटा बना करके जहन्नम में दाखिल किया जाएगा। एक नुक्ता और मिला, जहन्नम में जितने लोग हैं जाने वाले सबके सब छोटे किस्म के लोग हैं, सब छोटे लोग हैं। सब दुनिया में कितनी भी इज्जत उनको हासिल हो, दुनिया में कितने भी मालदार हों, कितनी भी उनके आगे पीछे हटो बच्चों की आवाज आए, इंतहाई जलील किस्म के लोग हैं, तो छोटे लोग हैं सब। सैयद खुलून जहन्नम दाखिरीन, जहन्नम में ये जलील होकर दाखिल किए जाएंगे। क्या हुआ? ऐसा हुआ ना, शुरू तुम करो खत्म मैं करता हूं बोलता है, दुआ तुम करो कबूल करता हूं ना। ऐसा आदमी मर रहा है, फरिश्ते आ जा रहे, जब तक दिखाई नहीं देते फरिश्ते तब तक बहुत अकड़ता है, ये मेरा वो मेरा, दिस इज माइन दैट इज माइन, ये मेरा है वो मेरा है, एंड दिस इज टू माइन, ये भी मेरा है बोलता है, सब मेरा बोलता है। अब फरिश्ते आ गए, फरिश्ते आए, अब अगर अच्छा आदमी है क्या बोलता है, इन الذين قالوا ربنا الله, जिन लोगों ने रब्बुन अल्लाह कहा, सुम्मा इस्तकामू, फिर उस पर जमे रहे जिंदगी भर, तो मरते वक्त ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, मलाइका नाजिल होते हैं, आ गए, अब दुनिया से रब्त खत्म हो गया इसका, अब चलना है, चंद सांसें बाकी हैं, द स्टोरी इज गोइंग टू फिनिश, दुनिया छूटने वाली है, अब आ गए फरिश्ते, खुशखबरी यही दे देते हैं, अल्ला तखाफू वला तहजनू। इसमें बड़ी प्यारी बात एक मुफस्सिल लिखता है कि ला तखाफू अमामकुम वला तहजनू अला मा खल्फकुम, आगे क्या है उस पर डरो नहीं और पीछे क्या है उस पर गम मत करो। क्या मतलब? छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, मैं मर जाऊंगा तो उनको कौन देखेगा, बीवी बच्चे कैसे जिंदा रहेंगे उनको कौन देखेगा, हैं? आदमी परेशान होता था ना, तो फरिश्ते कह देते हैं घबराओ नहीं, अल्लाह सब संभाल लेता, तुमने नेक जिंदगी गुजारी है ना, तो ला तखाफू, और आगे क्या होने वाला है इससे भी मत डरो, जन्नत तुम्हारी मुंतजिर है, और पीछे वला तहसनु वला मा खल्फकुम, पीछे क्या है इस पर गमजदा मत हो, इसलिए कि अल्लाह सारी चीजें संभालने वाला है, तुम्हारे बच्चों को संभाल लेता, कोई तकलीफ नहीं होगी, लादा गम मत करो, ततनज़्जलु अलैहिमुल मलाइकतु वला तखाफू वला तहज़नु वअबशिरु बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तुअदून, जन्नत की खुशखबरी दे दी जा रही है जिसका वादा किया जा रहा है, नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा, हम दुनिया में भी तुम्हारे साथी थे और आखिरत में भी तुम्हारे साथी हैं, ये फरिश्तों से हमारा ताल्लुक है, वलकुम फीहा मा तश्तहीयूनकुम वलकुम फीहा मा तद्दऊन, तुम्हारे दिल जितना चाहेंगे, मांगोगे तब भी मिलेगा, नहीं मांगोगे तब भी मिलेगा। अच्छा, इसमें एक बड़ी प्यारी बात जो कही जा रही है वो ये कि ये जो नेमतें दी जाएंगी, देना दो किस्म का होता है ना, ले जैसे भिखारी को देते हैं, कोई चीज हम देते हैं तो एक देना ऐसे होता है जैसे भिखारी को देते, किसी गदागर को। अल्लाह फरमा रहा है कि जन्नत में जो नेमतें दी जाएंगी ये नेमतें ऐसी नहीं दी जाएंगी जैसे किसी गदागर को भिखारी को दी जाती है। आगे फरमाया नुजुलन नुजुलन अन्नजी वज़ईफ, मेहमान, यानी गोया के तुम हमारे यहां मेहमान बन करके आए हो, और मेहमान को कोई चीज दी जाती है तो पूरे एजाज और इकराम के साथ दिया जाता है, गदागर की तरह नहीं दिया जाता, बोले जितनी नेमतें तुम्हें अता की जाएंगी बिल्कुल ऐसे ही जैसे मेजबान एक मेहमान को कोई चीज अता करता है, नुज़ुलम मिन गफूरिर रहीम, इस तरह तुमको नेमतें नहीं दी जाएंगी जैसे कोई आदमी किसी गदागर को किसी फकीर को देता है जिल्लत के साथ, बल्कि तुमको ये सब तमाम नेमतें अता की जाएंगी जैसे एक मेजबान एक मेहमान को तमाम चीजें देता है इंतहाई एजाज और इकराम और इज्जत और तकरीम के साथ। आखिरी बात यह कही जा रही है कि ला याती हिल बातिल मिन बैनी यदैहि वला मिन खल्फी, तो कुरान हकीम महफूज है, बातिल ना तो इसके आगे से घुस सकता है ना इसके पीछे से, यह किताब महफूज है,
तमाम किस्म की तहरीफात और तरमीमात और तलबीसात से। एक मुफस्सिर इस आयत करीमा पर लिखता है कि जिस आदमी ने जब कुरान के अंदर बातिल दाखिल नहीं हो सकता, तो जो आदमी कुरान को पकड़ ले, तमस्सुक कर ले, वो बातिल से महफूज हो जाएगा। लाया तिहिल बातिल, इसमें बातिल नहीं आ सकता। जाहिर है कि जब कुरान में बातिल नहीं आ सकता, कोई गलत चीज नहीं आ सकती, तो जो कुरान को पकड़ ले वो गलत बात और बातिल से महफूज हो जाएगा। अल्लाह तबारक ताला हमें कुरान हकीम को सीने से लगाने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वा आखिरु दावाना अल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।